हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका बालाजी होलसेल में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बार फिर से साड़ी की वैरायटीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको फिर से अपना ऑन डिमांड साड़ी का स्टॉक दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स कहते हैं कि साड़ी का आप कलेक्शन हमें बहुत कम दिखाते हैं। तो आज हम थोड़ा और ज़्यादा इन्हेंसमेंट के साथ और ज़्यादा करीब से सारी चीज़ें डिटेलिंग में बात करेंगे और सारी अपनी वैरायटीज दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सुनील भैया। फिर हम आपको पहला आर्टिकल अपना साड़ी का दिखाने जा रहे हैं, जो कि दो कलर से काम हुआ है, एक वाइट धागे से है, एक मल्टी धागे से है। ये देखिए, इसका बढ़िया पल्लू बना हुआ है, ठीक है। नीचे इसमें स्कर्ट दे रखा हुआ है, ये देखिए पूरा नीचे स्कर्ट आएगा बॉर्डर पे, मतलब पूरा फुल वर्क आने वाला, पूरा फुल वर्क आएगा। और इसमें रनिंग में ब्लाउज दे रखा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। जितना आपको जरूरत हो उतना काट सकते हैं। अगर आपको 90 लगता है तो 90 काट सकते हैं, 100 लगता है तो 100 काट सकते हैं। आस्तीन के ऊपर ये काम आएगा, मतलब एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा दे रखा है ताकि जो भी साइज की नीड हो आप उसको अपना कवर अप कर सकते। कवर कर। अच्छा सुनिए भैया, बहुत से लोग इसमें जॉर्जेट और शिफॉन में कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली ये जॉर्जेट कहलाता है या शिफॉन कहलाता है इस टाइप का फैब्रिक मटेरियल? जॉर्जेट को ही शिफॉन कहा जाता है। अच्छा, उसकी कई कई वैरायटी होती है, खाली क्वालिटी थोड़ा सा 19-20 होती है, बाकी शिफॉन ही बोला जाता है। अच्छा, हाँ। तो जॉर्जेट हैवी होता है या शिफॉन हैवी होता है? नहीं, हैवी तो जॉर्जेट होता है। अच्छा, लेकिन शिफॉन हल्का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन वो प्योर शिफॉन जो होता है वो महंगा होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन इसको ही कह करके लोग बाजार में शिफॉन और जॉर्जेट को रूप एक ही दे रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। इसी के ऊपर देखिए दूसरा आर्टिकल हमने बनाया है, ये देखिए ये पल्लू है इसका, ठीक है, बॉडी फुल आएगी इसकी, चिकनकारी से पूरा भरा हुआ है ये। हाँ। ये देखिए, ये भी आपको जॉर्जेट पे मिल रही है पूरी। हाँ। सारी। और इसमें क्या वर्क है ये देखिए, इसका जो है पूरा वर्क बॉडी में फुल आएगा। ये देखिए, इस पे भी चिकनकारी है, इस पे पल्लू ये दे रखा हुआ है, ये अंदर इसमें बॉडी फूल आ रही है, देखिए पूरा भरा हुआ काम आ रहा है, पूरे में बॉडी में पूरे में काम आ रहा है। फंदा वर्क है, साइडो वर्क है, कील का वर्क है, और इसमें भी आपको ब्लाउज रनिंग में लगा हुआ है, ये देखिए। ये जो ये छोड़ रखा है ये रनिंग में ब्लाउज है, जितना जरूरत हो उतना कट कर लीजिए। और साड़ी की लंबाई कितनी होती है वैसे? 6.5 होती है। अच्छा, लेकिन 6.40 भी निकल सकती है, 6.5 भी निकल सकती है, दोनों ही उसमें, लेकिन बोला 6.5 मीटर जाता है। अच्छा, और इसमें देखिए आपको हम एक बहुत ही सुंदर साड़ी दिखाने जा रहे हैं, जो आजकल टेपची वर्क। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। हाँ, ये देखिए फुल काम है इसमें, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो इसमें कलर्स हमें कितने मिलने वाले? साड़ी वैरायटी 5 से 7-8 कलर सब में मिलते हैं। जैसे ये आपको हमने नीचे दिखाई, ये भी 7-8 कलर में माल होगा, ये भी 7-8 कलर में माल होगा, ये भी 7-8 कलर में माल रेडी है। जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं उसमें से। और टेपची में सुने भैया एक और वैरायटी आती है, टेपची और कई प्रकार से। देखिए इसमें फुल दे रखा है, ये देखिए पूरा कहीं से खाली नहीं है, ये देखिए पूरी साड़ी में वर्क है, ये देखिए। ब्लाउज में केवल हमने आस्तीन पे काम दिया है, ये देखिए। और इसमें जो है हम कोटा के ऊपर टेपची बनाते हैं, ये देखिए कोटा कॉटन। हाँ, कोटा कॉटन, इसके ऊपर भी फुल वर्क है, ये देखिए, ये देखिए फुल वर्क है। आइए हम आपको इसको पास से दिखाते हैं इसमें वर्क क्या है। एक तो देखिए इसमें कोटा का कपड़ा लगा हुआ है, ये देखिए कितना प्यारा कपड़ा होता है, ये कॉटन कपड़ा होता है, कोटा चेक इसको बोलते हैं। इसके ऊपर वर्क जो किया गया है टेपची वर्क, टेपची वर्क करिए, ऑल ओवर पूरा भरा हुआ काम इसमें टेपची का है। ये पहनने में बहुत ही सुंदर साड़ी लगती है। इस ये विदाउट ब्लाउज होती है, इसमें ब्लाउज नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कस्टमर अपनी चॉइस का फिर मैचिंग का अपना ब्लाउज अलग से ले करके बना सकता है। इसमें ब्लाउज में कपड़ा नहीं होता है, 5.5 मीटर कट होता है, तो इसे 5.5 ही मीटर ये बनाई जाती है।
लेकिन व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये साड़ी डायबल होती है, तो आप इसमें आपको कलर में बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, आप कोई भी कलर अपनी पसंद का करवा सकते हैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहें। आप इसका वर्क देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फुल जाल वर्क है, ये बहुत ही प्रिटी लगती है वेयर करने पर, आजकल समर के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें जॉर्जेट के ऊपर हल्की साड़ी भी बनाते हैं जिसे सिर्फ पल्लू और बॉर्डर हल्का वर्क दे रखा है, जिसे रेंज आदमी को कम चलती है, हाई रेंज में नहीं जाना चाहता, छोट कम रेंज में लेना चाहता, तो ये देखिए साड़ी बनाई है। ये पल्लू है इसका, ये अंदर बॉर्डर है पतला सा, अच्छा अंदर फ्लावर दे रखे, तो मतलब हल्के काम के साथ चिकनकारी में रेट भी कम हो जाता है। रेट भी कम हो जाता है, जैसे चिकनकारी कम होगी वैसे ही रेट कम हो जाएगा। अच्छा, चिकनकारी बढ़ती जाएगी रेट बढ़ता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका बजट कम है या आपने अभी स्टार्टअप करा है, तो आप इस तरह का भी हमसे प्रोडक्ट लेकर अपनी रेंज में आप स्टॉक अप कर सकते हैं। हाँ। और उसको आसानी से रीसेल कर सकते हैं, जैसा भी आपकी डिमांड आती है आप उस हिसाब से हमसे स्टॉक ले सकते हैं। कॉटन के ऊपर देखिए हमने बना रखा है, ये भी 6.5 मीटर होती है, ये इसमें भी कलर 10-12 कलर होंगे। ये इसको पास से दिखाते हैं आपको, कॉटन कपड़ा है, इसमें देखिए 2 कंट्रास्ट ब्लाउज दे रखा हुआ है, और इस पर जो चिकनकारी की गई है रंगीन धागे से की गई है कंट्रास्ट, इसका ब्लाउज जो देखिए ये बहुत ही सुंदर है, ये देखिए, और इसमें भी हमने ब्लाउज दे रखा है, ब्लाउज इसमें इस टाइप से दे रखा है कि जैसे इस कलर की पट्टी लगी हुई है तो इसी कलर का ब्लाउज आएगा इसमें। अच्छा, कंट्रास्ट में आपने इस तरीके से दिया हुआ है साड़ी पे पहले। हाँ, कंट्रास्ट मैचिंग के से बनाया गया कि आपको जैसे ये देखिए बॉडी पे ये वाइट आ गया, ब्लाउज पे आपका ये जो लगा हुआ है ये देखिए यहाँ से सिला हुआ है अलग से, इसको यहाँ से खोल लीजिए, खोल करके ब्लाउज बना लीजिए, कंट्रास्ट ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। और थोड़ा ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या कलर्स का कुछ जाने का इसमें खतरा है, या कुछ कॉटन का मतलब कोई भी किसी तरीके नहीं? नहीं, कलर कोई नहीं जाता है चिकनकारी में, कोई भी कलर जाता नहीं है, ये वाश होके ही आता है। अच्छा अच्छा, पहले वर्क होता है फिर वाश होता है तब आता है यहाँ पे, मतलब किसी भी फैब्रिक पे हमारा जो भी प्रोडक्ट बना है वो हर कुछ वॉश होके आता है, वाश होके आता है। अच्छा, इस पे भी एक डिजाइन हमने ये देखिए दे रखी है, बहुत ही सुंदर है ये। इसमें भी ब्लाउज इस कलर का आएगा, देखिए कितना प्यारा इसमें दरज का काम दे रखा हुआ है। क्या वर्क बोला आपने इसको? दरज। अच्छा, ये फैब्रिक ही कोई दोबारा पैच लगा के स्टिच? हाँ, फिर उसके बाद में स्टिच किया गया, दरज टाइप से बनाया गया, जैसे हाथ का दरज बनाई जाती थी पहले, वही दरज स्टाइल बनाई गई है। बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, देखिए आपको हम दिखाने जा रहे हैं अरगंजा के ऊपर साड़ी, ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है, इसमें भी फुल वर्क दे रखा हुआ है, ये देखिए। हाँ, ये गोल्डन बॉर्डर के साथ। हाँ, बहुत प्रिटी थी, थोड़ा बनारसी का लुक दे रही है। हाँ, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो आपको कलर चॉइस मिले, कलर आपको जो भी कलर चाहते हैं वो डाई हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये भी डाइबल? हाँ, है डाइबल है इसका। अच्छा, कलर देखिए डाई में हमने एक करा के सैंपल के तौर पे रखा हुआ है, ये देखिए बहुत, जो इसके अलावा आप जो भी कलर चाहेंगे वो डाई हो जाएगा, सेट कार्ड आपको दे दिया जाएगा, उसमें से कलर चूज कर लीजिए फिर डाई करा लीजिए। ये भी विद ब्लाउज साड़ी है। अच्छा बढ़िया, ये देखिए एक ये बनारसी कपड़े के ऊपर बनाई है हमने चिकनकारी, चंदेरी फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक, बनारसी चंदेरी फैब्रिक, ये देखिए चिकनकारी इसमें बहुत सुंदर करी गई है, ये पूरा हैंडवर्क है, पूरा हैंडवर्क, ये देखिए आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सुंदर साड़ी बनी हुई है, नाजुकी से पूरा हैंडक्राफ्टेड है, फाइन बनाया गया है, देख सकते हैं चिकनकारी, इन सबको तैयार, एक एक पीस को तैयार होने में, ये भी जो है डाइबल है, इसको एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है? 5 से 6 महीने लग जाते हैं इसको साड़ी में बनने में, चिकनकारी एक साड़ी को। अच्छा अच्छा, पहले इसको जैसे 100-150 साड़ी बनाने में लगा दी गई, फिर धीमे धीमे करके 5-6 महीने में स्टार्ट होती बन के आना, कभी 10 आई कभी 15 आई कभी 20 आई, ऐसे करके साल भर में इसका प्रोडक्शन पूरा होता है। अच्छा, अगर मान लिया किसी ने हमसे स्टॉक में उठाया करीब 50-60 पीस और उसके बाद फिर उसको नीड पड़ जाती है अर्जेंट में, तो अवेलेबल हो सकता है या उसको वेट करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब टुकड़ों में जस्ट थोड़े थोड़े पीस उनको मिलते रहे, या तो पहले से ऑर्डर दे दे कि हमें इसमें आप हमें इतनी साड़ी बननी
हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे, बढ़ा करके देते रहेंगे उसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए एक मल चंदेरी के ऊपर साड़ी बनाई है, जो आजकल बहुत बढ़िया कपड़ा चल रहा है, मल चंदेरी उसके ऊपर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी बनी हुई है, ये पूरा वर्क क्या कहलाता है? इसमें चिकनकारी की गई है, फिर दरदोजी वर्क जो हाथ से दरदोजी लखनऊ में बनती है। अच्छा। वो वर्क डाला गया है इसके ऊपर, दोनों मिक्स करके वर्क बनाया गया है। और ये भी डाइवल साड़ी है। अच्छा। जो कलर में चाहेंगे उस कलर में डाई हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो व्यूवर्स अगर आप चाहते हैं कि हमारी शॉप पे विजिट करना चाहते हैं तो चौक एरिया में आपको शॉप मिल जाएगी हमारी, ओल्ड लखनऊ जो चिकनकारी हब कहलाता है, और एड्रेस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया गया है। आप चाहे तो कांटेक्ट करके भी हमसे बाकी की डिटेलिंग ले सकते हैं, आपको सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए ये साड़ी विस्कोस जो आजकल बाजार में प्योर कह के बेच रहे हैं वही कपड़ा का है ये विस्कोस। हम अपना जो कपड़े का नाम है वो बता करके आपको दे रहे हैं, लेकिन बाजार में क्या कहते हैं लोग, ये प्योर है, प्योर शिफॉन है, लेकिन ये विस्कोस होती है, इसको ही बाजार में प्योर कहते हैं। चिकन वर्क बनाया गया है उसके साथ में, फिर मुकेश डाला गया है। ये ख़राब नहीं होता है कभी, चाहे जितना वाश करिए ख़राब नहीं होना। ये भी डाइवल है। अच्छा। और विद ब्लाउज है साड़ी। ये देखिए अंदर बैक में इसमें बॉर्डर और बूटी दे रखी हुई है। ये देखिए। तो जैसा कि आपने देखा ये था हमारा साड़ी का कलेक्शन ऑन डिमांड। आपको मैंने कुछ डाइबल पीसेस दिखाए हैं, कुछ आपको डाइट पीस दिखाए हैं, ये मुकेश वगैरह हमारे जितना भी अभी कलेक्शन है ऑलमोस्ट हमने आपको वो दिखाया है। नए कलेक्शन आने पे भी हम आपको और नई वीडियोस लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए हमारा कलेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपने बुटीक शॉप या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।